सर गुड मॉर्निंग मैम, मेरे मॉडल का थी मैथमेटिक्स एंड कोविड-19 है। मैंने अपने मॉडल में ये बताने की कोशिश किया हूँ कि मैथ का मतलब केवल कॉपी में प्रॉब्लम सोल्व करना ही नहीं है, मैथ साइंस के अदर ब्रांचेस के साथ मिलकर सोशल प्रॉब्लम को भी सोल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जैसा कि हमने देखा कि पिछले दिनों एक छोटा सा वायरस कोविड-19 इतना फैल चुका था कि एक आम आदमी से लेकर बड़े से बड़ा राजनेता भी यही सोचने पर विवश था कि आगे क्या होने वाला है, वो कैसे कंट्रोल हो। परंतु उस अंधकार की स्थिति में भी मैथमेटिक्स ने हमें बहुत साथ दिया और उसको कंट्रोल करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाया। जैसा कि सबसे पहले मैथमेटिशियन ने डाटा कलेक्ट किया कि केसेस किस रेट से इंक्रीज हो रहे हैं। हमने यहाँ इटली का डाटा लिया है, 23 फरवरी को यहाँ 11 केसेस है, 26 फरवरी को 22 केसेस है, 29 फरवरी को 47 केसेस हो गए। मतलब इस पूरे डाटा को हम ध्यान से एनालाइज करें तो हमें यह मिलेगा कि जो हर 3 दिन के बाद नंबर ऑफ इन्फेक्टेड केसेस है वो डबल हो जा रहे हैं। मीन्स अगर इस डाटा के बेस पर जब हम ग्राफ प्लॉट करें तो हमें इस प्रकार का कर्व मिलेगा जो कि मैथमेटिक्स में एक्सपोनेंशियल कर्व होता है। और अगर हम ये मान लें कि इनिशियली 500 इन्फेक्टेड केसेस है तो वो 3 दिन के बाद 1000 हो जाएगा और अगले 3 दिन के बाद 2000। मीन्स केवल और केवल 11 डबलिंग टाइम्स में 33 दिन के अंदर 1 मिलियन केस हो जाएगा, जो कि एक बहुत ही ज्यादा चुनौती का विषय हो जाएगा और वो आउट ऑफ लिमिट हो जाएगा, उसको कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मुश्किलें आएंगी। तो अगर हम ये मान लें कि किसी देश के पास 1 मिलियन बेड्स है और जब 2-3 दिन के बाद जब केसेस 2 मिलियन हो जाएंगे तो उस देश को समस्या को समझने में और उसको कंट्रोल करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किलें आएंगी और चारों तरफ त्राही त्राही हो जाएगा और वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो हमने ये देखा कि ये जो हमारा कर्व था ये इस फंक्शन के अकॉर्डिंग चल रहा था, P=P0T(KT), वेयर P=Total इन्फेक्टेड आफ्टर टाइम टी, P0 initially इन्फेक्टेड, K=Exponential ग्रोथ और डीके रेट, T=Time, Eilers नंबर। परंतु हमने ये देखा कि पिछले जितने भी पैंडेमिक हुए उसमें केसेस हाई रेट से इंक्रीज तो करते हैं एक्सपोनेंशियली, बट वापस वो डिक्रीज भी करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ समय बाद अनइन्फेक्टेड डोज नहीं मिल पाते, ट्रांसमिशन मीडियम, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, अथेरिंग फैक्टर की कमी की वजह से वो डिक्रीज होकर और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व ले लेते हैं। बट क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इसको दिखाने के लिए मैंने अपने इंस्ट्रूमेंट तैयार किया है, इसके माध्यम से प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। मैंने यहाँ ये दिखाने का कोशिश किया है कि जब भी हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो यहाँ पे जब हमने देखा कि कंची की चारों तरफ आने की प्रोबेबिलिटी सेम थी, बट जब हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके पीक पर आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और एक्सट्रीम पे होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, और वहां पे भी वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही लेता है। जैसा कि ये रहा, यहाँ ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन गया है। फिर हमने ये देखा कि ये जो हमारा कर्व था एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा था, तो अगर ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करे और पीक पर चला जाए तो ये हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिमिट से बियॉन्ड हो जाएगा और उसको कंट्रोल कर पाना एक चुनौती का विषय हो जाएगा। तो हम इसको कंट्रोल कैसे कर पाएंगे? तो इस समय भी मैथमेटिक्स ने हमें बहुत ज्यादा साथ दिया। अगर हम इस कर्व को ध्यान से देखें तो ये एक सिमेट्रिकल कर्व है, इसके पीक पर मीन, मीडियन और मोड कोइंसाइड करते हैं। तो अगर इस कर्व के स्टैंडर्ड डेविएशन को हम बढ़ा दे, थोड़ा सा इस कर्व को हम फ्लैट कर दे, तो नंबर ऑफ इन्फेक्टेड केसेस तो उतने ही रहेंगे परंतु हमें टाइम मिल जाएगा और हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे और वो हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिमिट के अंदर हो जाएगा। तो हम इसके स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे बढ़ाए, इसके लिए भी सरकार ने मैथ्स के इसी फॉर्मूले को अपनाते हुए काफी रणनीतियां बनाई और इसके स्टैंडर्ड डेविएशन को बढ़ाने में काफी हेल्प मिली, जैसा कि प्रिवेंटिव मेजर्स का इस्तेमाल किया, सैनिटाइजेशन, मास्क, देश और दुनिया में जगह जगह पर लगाए गए लॉकडाउन। अब हम मास्क भी कपड़े का ही क्यों इस्तेमाल करें? हमने ये देखा कि हम कांच का या प्लास्टिक का क्यों नहीं यूज करें? हमें ये पता लगा कि जो कोरोना वायरस का साइज है उसका 1-5 नैनोमीटर होता है, ये भी हमें मैथ नहीं बताया, और जो हमारे कपड़े का साइज होता है इसके डायमीटर से वो कोरोना वायरस नहीं निकल पाएगा। तो इसमें भी मैथमेटिक्स ने बहुत साथ दिया कि हमें कपड़े का मास्क यूज करना चाहिए। अब हम ये देखें कि लॉकडाउन में कितना और कब लगाना है ये भी मैथमेटिक्स पे ही निर्भर करता था। हमने जब कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया तो केस डिक्रीज तो कर रहे थे, बट अगर हम एकदम से लॉकडाउन को खोल दे, ओपन कर दे, तो काफी हाई रेट से इंक्रीज होकर
वो पीक पर चला जाएगा और जो कि फिर से लिमिट के बियॉन्ड हो जाएगा और उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब सोशल डिस्टेंसिंग फैक्टर भी कितना मेंटेन रखना है ये भी मैथमेटिक्स पे निर्भर करता था। जब हम ये देख रहे हैं कि 0.8 सोशल डिस्टेंसिंग फैक्टर है तो ये कर्व पीक पर चला गया और जैसे जैसे सोशल डिस्टेंसिंग फैक्टर हम कम करते जा रहे हैं वैसे ये कर्व फ्लैट होता जा रहा है, मीन्स केसेस डिक्रीज हो रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग फैक्टर मीन सोशल मिक्सिंग, जितना ज्यादा मिक्सिंग होगा उतना ही ज्यादा केस बढ़ेंगे और जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा केस डिक्रीज होगा और वो कर्व फ्लैट हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि मैथमेटिक्स ने हमें प्रॉब्लम को समझने में, उसका फ्यूचर में क्या होगा ये प्रिडिक्ट करने में, स्ट्रेटेजी बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प किया। परंतु अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हम मैथ्स की हेल्प से हम कोई ऐसा यंत्र दे सकते हैं कि फ्यूचर में अगर कोई पैंडेमिक हुए तो उससे हमें हेल्प मिले। तो इसके लिए मैंने एक अपने इंस्ट्रूमेंट तैयार किया है। जैसा कि हमने पिछले दिनों देखा कोरोना वायरस के टाइम पे कि सभी लोगों के दिमाग में ये धारणा बनी हुई थी कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनसे बहुत ज्यादा केसेस फैल रहे हैं, उनको रोका जाए, उनको अंदर ना आने दिया जाए। परंतु वो भी हमारे लोग थे, उन्हें हम रोक तो नहीं सकते, तो उनको तो कंट्रोल करने के लिए सरकार ने उन्हें क्वारंटाइन किया, टेस्टिंग किया और उनको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिला हमें केसेस को रोकने में। परंतु जो उनके साथ लगे जाते थे उनमें भी तो इन्फेक्शन हो सकता है, उससे भी तो फैल सकता है। तो उसके लिए देखिए हमें मैथ ने कैसे हेल्प किया। अगर हम ये मान लें कि ये हमने देखा है कि मैथमेटिक्स में इलिप्टिकल शेप होता है, इसका ये प्रॉपर्टी है कि इसके एक फोकस से अगर हम जो रे पास करते तो देखिए दूसरे फोकस पे जाके वो कॉन्सेंट्रेट होता है। तो अगर हम एयरपोर्ट पे ऐसा ही शेप का इलिप्टिकल चैम्बर बना ले तो हमें जो आगे कोई भी पैंडेमिक होगा उसको कंट्रोल करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगा। जैसा कि अगर हम एयरपोर्ट पे ऐसा चैम्बर बना लेंगे और एक फोकस से यूवी रेस की लाइट रेस पास करे और दूसरे फोकस पे जाके वो स्ट्राइक होगा और इसके लेटर के माध्यम से अगर हम किसी भी लगेज को पास करेंगे तो उसको बिना टच किए यूवी रेस की किरणें जब उस पर स्ट्राइक करेंगी तो बैक्टीरिया को किल कर देगी। हमें पता है कि यूवी रेस का ये एक प्रॉपर्टी होता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है और वो बैक्टीरिया को किल करने में काफी हेल्प करती है, हमने ये देखा कि। और हाँ, इसको हम कहीं से भी करेंगे, जहां से भी हम करेंगे तो ये फोकस पे, देखिए इधर से भी कर रहे तो ये फोकस पे आ रहे हैं, तो इससे हमें आगे फ्यूचर में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो बस मैंने अपने मॉडल में ये दिखाने का कोशिश किया है कि मैथ का मतलब केवल कॉपी में प्रॉब्लम सोल्व करना ही नहीं है, ये कैसे हमें सोशल प्रॉब्लम को सोल्व करने में बहुत हेल्प करता है। और हाँ, इसको हम अपने छोटे से लेवल पे भी यूज कर सकते हैं घरों में। जैसा कि हम बाहर से कहीं से आते हैं तो हम खुद को तो सैनिटाइज कर लेते हैं, हैंड वॉश कर लेते हैं या नहा लेते हैं जिससे कि हम खुद डिसइंफेक्ट हो जाते हैं। परंतु जो हमारे साथ लगे जाते हैं जैसे कि मोबाइल हो गया या पर्स हो गया या अदर कोई भी मटेरियल जो हम लाते हैं उसको अगर हम एक फोकस पे रख दें और दूसरी फोकस से यूवी रेस अगर हम पास करवाए तो ये हमें छोटे लेवल पे भी, देखिए कैसे ये मोबाइल पे जाके यूवी रेस स्ट्राइक कर रहे हो और उस बैक्टीरिया को किल करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो इसको हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं।